हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्रास। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज से जी के नए फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो अभी प्रश्न नंबर एक है, वाणभट्ट निम्न निम्न में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर टू है, कादंबरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए वाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास्कर वर्धन, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाणभट्ट। प्रश्न नंबर तीन है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की है? ऑप्शन ए हर्षचरित्र, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रियदर्शिका, ऑप्शन डी नागानंद। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। हर्षवर्धन ने अपने जीवन में तीन रचनाएं लिखी हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। हर्षचरित्र नहीं लिखी है। हर्षचरित्र किसकी है? हर्षचरित्र वाणभट्ट की बुक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है कि हर्षचरित्र किसकी रचना है। तो हर्षचरित्र वाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न संख्या चार, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। तो वोल्टमीटर से तो वोल्ट ता नापी जाती है, वोल्टेज विद्युत की। एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, या अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है एक। अमीबा में कुल एक कोशिकाएं होती है, तथा तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर छः, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसी तरह उन्होंने एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, जिसका नाम है बांग्लादेश, आमार सोनार बंगला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, हीटर के तार या हीटर का तंतु या हीटर का एलिमेंट किस चीज़ के बने होते हैं? सोना, चांदी, तांबा या नाइक्रोम? तो इसका आंसर है आंसर ए नाइक्रोम। ये बहुत बार पूछा गया है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार, ऑप्शन ए बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, या ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रश्न नंबर नौ है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखना उसका नाम है माजुली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये असम के पातालपुरी जिले में स्थित है और भारत में स्थित है। तो विश्व ब्रह्मपुत्र नदी का है, ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, जिसका नाम है माजुली। ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में या पीतल में? तो इसका सही आंसर है स्टील में। रेलवे में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। एक लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 से भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने जी भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष होंगे। अभी वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल विपिन रावत हैं, ये चेंज हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाकी करंट अफेयर्स के नए अपडेट और रिपीटेशन अपडेट और इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन पाने के लिए लगातार इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।